Welcome you all to this talk on virtual lab. तो इसके अंदर जाने से पहले आपको एक सैंपल दिखाते हैं, फिर बताते हैं व्हाट इज वर्चुअल लैब. बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं. आपने पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट किया होगा शायद. तो इस एक्सपेरिमेंट को हम कंप्यूटर के द्वारा करके देखते हैं. इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसकी जो है दूरी की लेंथ कम ज्यादा कर रहे हैं, मास भी कम ज्यादा कर सकते हैं, 1 kg या बढ़ा के 1.5 kg, 1.7 या 2 kg. फ्रिक्शन का इफेक्ट भी दे सकते हैं, दें या नहीं दें देखते हैं इसको. और इसको छोड़ देते हैं. अब इसमें जो हमने दो चीजें और लगा दी, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन. ये इसकी वेलोसिटी बता रही है, बार बार इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और इसी के साथ इसका जो है एक्सेलरेशन बता रहा है. अब इसके अंदर आपको फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, जो यूनिकनेस जो है वर्चुअल लैब की, अब आपको समझ में आएगी. ये एक्सपेरिमेंट आप कहां कर सकते हैं, लैब में भी कर सकते हैं, लेकिन आप लैब में अगर आप करेंगे तो आपके पास क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है. फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है ना तो आप इसको डोरी को छोटा स्प्रिंग को या लंबा करके देख सकते हैं. मासेस भी आपके पास जो है स्टैंडर्ड है, या तो 100 ग्राम का, 50 ग्राम का, 200 ग्राम का, 250 ग्राम का. अगर आपको 0.5 में चेंजेस करने हैं वो करके नहीं दे सकते आप. प्लस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो भी आप समझेंगे वो आपको अपने दिमाग से समझना है. जैसे यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन कब चेंज हो रहा है, कमाल तो नहीं दिखाई देगा आपको, वहां दिखाई देगा आपको एक्सपेरिमेंट में, नहीं दिखाई देगा. और ये जो ग्राफ जो आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, तीन एनर्जी दिखा रहे हैं वहां पर. देखिए काइनेटिक एनर्जी हाई जाता है, जीरो हो जाता है, फिर पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होता है, फिर पोटेंशियल एनर्जी हाई जाता है, अगेन इट इज बीइंग कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी. दूसरी इसमें क्या खासियत है, अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसको रीसेट करके इसकी लेंथ चेंज कर सकते हैं. स्प्रिंग की आपने लेंथ चेंज कर दी, मास भी चेंज करके चलिए मास भी चेंज कर सकते हैं. और आप इसको चला के देखते हैं, अब वैल्यूज चेंज देख सकते हैं क्या हो रहा है, उसका फर्क क्या आ रहा है. तो जो अंदर की जो जिज्ञासा है, जो कि लैब में सॉल्व नहीं हो सकती, लैब में एक लिमिटेशन है. जो नॉर्मल जो आपकी फिजिकल लैब है उसके अंदर क्या है, एक लिमिटेशन है. उसमें आप ग्रुप में एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो सेटअप है वो लिमिटेड है हमारे पास, जो एक्सपेरिमेंट के जो सेटअप है वो लिमिटेड है. प्लस उसमें आपको सेटअप में काफी टाइम लगता है. हम ये नहीं कह रहे कि हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट का फील तो वहीं आता है, एक्सपेरिमेंट का जो फील है वो तो वहीं आता है. प्लीज मेक दिस क्लियर दैट वी आर नॉट रिप्लेसिंग द एक्चुअल हैंड्स ऑन लैब. दिस इज ओनली मेंट टू सप्लीमेंट इट. लेकिन अब इससे क्या है, इसमें आपकी सारी की सारी क्वेरी कौन सी सॉल्व हो जाती है, कि अगर ये करूंगा तो क्या होगा, जो कि इन बातों का सॉल्यूशन आपको रियल टाइम में नहीं मिलता है. क्योंकि अगर 60 बच्चे के हर बच्चा 4 क्वेश्चन पूछे तो 60 चौक कितने हो गए आपके, 240 हो गए. अब 240 क्वेरी कैसे सॉल्व होंगी क्लास के अंदर. अब इसके अंदर क्या, हर एक के पास अपना एक्सेस है अकेले में, और वो अपना कर करके देखता रहे क्या फर्क हो रहा है, एक्सेलेशन ऐसे क्यों हो रहा है, वेलोसिटी क्यों हो रही है, एनर्जी कैसे कन्वर्ट हो रही है. यहां देख ले, जीरो पे जाती है एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वो भरती है तो दूसरी नीचे हो. अच्छा, अभी तो हम इसमें क्या थे, अर्थ पे थे, ये देख रहे हैं आप. अगर हम इस पेंडुलम को मून पे ले जाते हैं तो क्या होगा, मून पे ले गए तो ये हो गया, क्योंकि क्या, जी चेंज हो गई, जी की जो वैल्यू है वो चेंज हो गई.
जो जी की वैल्यू जो है अर्थ पे 9.8 की है। तो अगर आप नॉर्मल लैब में करेंगे तो नॉर्मल लैब में तो मून पे जा नहीं सकते, और दूसरा क्या है वहां पर आपको टीचर क्या बताएंगे भाई जी की वैल्यू चेंज कर दीजिए, आप मून की ले लीजिए इसमें आप। तो जो भी आपको एक्चुअल जो वैल्यू दिखाई देगी वो आपको न्यूमेरिकल टर्म्स में दिखाई देगी कॉपी के अंदर, लेकिन ऐसा एहसास आपको नहीं मिलेगा लैब के अंदर कि वही पेंडुलम है, वही वेट है, वही लेंथ है, अर्थ पे जो है ज्यादा स्पीड से चल रहा है वो, रोटेट कर रहा है, और मून का कंडीशन इसकी डिफरेंट हो गई। अब इसको जुपिटर पे ले जाते हैं तो हो क्या रहा है, बेसिकली जी की वैल्यू चेंज हो रही है। जी तो आपको पता है जी की वैल्यू 9.8 ली जाती है, लेकिन वो वैल्यू किसके लिए है, वो वैल्यू केवल अर्थ पे फिजिबल है। अब जी हमने जीरो कर दिया, जी की वैल्यू जो है जीरो कर दी, तो अब ये घूम रहा है। अभी तो क्या रहा था, जी उसको वापस लेकर आता था, ग्रेविटी अपनी तरफ खींचती नहीं खींचती है, अब जी की वैल्यू जीरो हो गई। तो अब क्या हो रहा है, जो भी चल रहा है ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के माध्यम से चल रहा है, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के माध्यम से, और टोटल एनर्जी वहां पर एक उसको मोमेंटम मिल गया। तो वर्चुअल लैब क्या है बेसिकली, जो कि आप दूरगामी दूर से एक कंप्यूटर के इंटरफेस के द्वारा किसी भी लैब को एक्सेस कर सकते हैं और कर सकते हैं। तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमारे देश में बहुत बड़ा ये इनिशिएटिव चल रहा है वर्चुअल लैब का, जिसमें कि हर कोर्स की एक लैब डेवलप की गई है। हर कोर्स मतलब केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी प्लस सारी फील्ड आपकी इंजीनियरिंग के अंदर, क्योंकि मैंने आपको बताया दिक्कतें क्या आती है नॉर्मल एक्सपेरिमेंटेशन में, नॉर्मल एक्सपेरिमेंटेशन दिक्कत ही आती है क्योंकि स्टूडेंट्स की संख्या हमारे यहाँ बहुत है, कॉलेजेस बहुत है हमारे यहाँ, और ट्रेंड मैन पावर बहुत कम है। एक रीजन इसका ये है। दूसरा रीजन इसका ये है, अगर ये सब कुछ है भी फिजिकल एक्सपेरिमेंट में टाइम काफी लगता है, और उसमें आप सारी क्वेरीज सॉल्व नहीं कर सकते हैं, आप उसमें एक फिक्स मोड में एक्सपेरिमेंट करते हैं भाई, इन रीडिंग्स पे इन सेट पे इसको चला के देखना है, लेकिन जो आपके मन में जो बात आती है अगर ये होगा तो क्या होगा, वो आप सारी की सारी जिज्ञासाएं जो है आपकी जो क्वेरीज है उसमें सॉल्व नहीं हो सकती है। रियल टाइम एक्सपेरिमेंट अगर करनी है तो उसमें आपको काफी टाइम लगेगा, जो कि आपकी लेवल पे जो अलाउ नहीं किया जाएगा कि आप कि 6 घंटे के लिए एक्सपेरिमेंट करें या आपको 12 घंटे के लिए आपको लैब दे दी गई। आपका एक एक्सपेरिमेंट का एक पीरियड होता है जिसमें कि आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा दिया जाता है। लेकिन एक यहां पर है, तो इसको क्या बोलेंगे, गाइडेड इंस्ट्रक्शन नहीं है इसके अंदर। इसमें क्या है, आपको टोटली सेल्फ गाइडेड इंस्ट्रक्शन रखने हैं। तो सेल्फ गाइडेड में क्या है, आप अपने हिसाब से चलेंगे। क्लास में क्या है, टोटली गाइडेड इंस्ट्रक्शन, जो आपको बताया गया उसी में चलते हैं, जो आपकी क्वेरीज होती है वो भी गाइडेड होती है, और जो आप आंसर करते हो वो भी उसी दायरे के अंदर से आंसर करते हैं। तो मोटिवेशन जो है इसके पीछे वर्चुअल लैब बनाने का, क्योंकि एक तो दूर से किए जा सकते हैं, फिजिकल डिस्टेंसेस लिमिट डूइंग एक्सपेरिमेंट, जैसे हमको पता है कि कुछ MIT में या IIT में या स्टैनफोर्ड में या इंडिया में किसी भी अच्छे कॉलेजेस में वहां अच्छे लैब है, लेकिन वो किनको एक्सेस है, केवल वहीं के स्टूडेंट्स को, आपको तो एक्सेस नहीं है। दूसरा क्या है कि आपके इक्विपमेंट जो है बहुत कॉस्टली आते हैं, तो हर कॉलेज वाले उसको जो है अफोर्ड नहीं कर सकते। और तीसरा क्या है, जैसे मैंने आपको कहा ट्रेंड मैन पावर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट कराने के लिए भी आपको चाहिए जो कि उसका जानकार हो और पूरा ट्रेंड हो। मैंने आपको अदरवाइज गाइडेड एक्सपेरिमेंट होगा, जितना वो बताएगा उतना आप जान पाओगे, उतना आप सीख पाओगे। अगर जानकारी कम जानकार है तो क्या होगा, उतनी नॉलेज आगे इनटू मल्टीप्लाई 60 होगी, अगर कोई एरर जा रहा है गलती जा रही है तो वो भी इनटू 60 होती जा रही है, जो कि इसके अंदर नहीं है। और इन सबके ऊपर जो मेन मोटिवेशन क्या है, क्योंकि अब हमारे यहाँ क्या IT टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस हो चुकी है। IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है आपकी, क्योंकि इंटरनेट हर जगह अवेलेबल है, तो उसी का फायदा लेते हुए इस वर्चुअल लैब्स को बनाया गया है। अगर इंटरनेट नहीं होता तो ये पॉसिबल नहीं था, अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं होती तो ये पॉसिबल नहीं था।
अब अच्छी बैंडविड्थ मिल रही है, अच्छा ब्रॉडबैंड मिल रहा है, तो हर जगह इसको इजीली कम पैसों में एक्सेसिबल है। तो इसको एक इसको कैसे यूज करते हैं, एक रिमोट जगह लैब है, जैसे मैंने आपको बताया IIT में या MIT में, स्टैनफोर्ड में या किसी बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में है। अब उसको इंटरनेट के द्वारा आप कहीं भी एक्सेस कर रहे हैं, उसको आप कह रहे हैं इंटरनेट के द्वारा, और मल्टीपल यूजर्स उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आपके लैब के अंदर क्या था नॉर्मल, कि केवल एक ही ग्रुप करेगा एक बार में, एब्सेंट हो गया तो गया टर्न। इसमें क्या, रिमोटली पैरेलली नंबर ऑफ यूजर्स कैन एक्सेस दिस लैब, बेसिक आइडिया ये। अब वर्चुअल लैब जो है तीन टाइप की होती है, सबसे ऊपर चलते हैं रिमोट ट्रिगर्ड। रिमोट ट्रिगर्ड का है, जैसे ये जो दिखा रहे थे अभी हम, ये रिमोट ट्रिगर्ड है, क्योंकि इसमें क्या है फिजिकल लैब है, फिजिकल लैब है, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं, और वहां पर आप उनको कैसे कंट्रोल कर रहे हो, रोबोट के थ्रू उनको कंट्रोल कर रहे हैं, रोबोट के थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं कि भाई इसमें इतना मिलाया जाए या इसमें इतना वेट लगा दिया जाए, कोई भी चेंज कर सकते हैं, कितना आपको वोल्टेज बढ़ा दी जाए। तो वो हो गई रिमोटली, रिमोट मतलब दूर से उसको कंट्रोल कर रहे हैं। इसके अंदर दिक्कत क्या है, फिर इसमें वही प्रॉब्लम आ गई कि अगर किसी आदमी ने लॉगिन कर लिया, किसी स्टूडेंट ने उसको लॉगिन कर लिया एक बार में, तो वो जो एक्सपेरिमेंट है जो पूरा वो जो है वो क्या है, एलोकेट हो गया, अब दूसरा उसको नहीं कर सकता। अगर वो 3 घंटे के लिए लॉगिन कर गया उस एक्सपेरिमेंट के अंदर, 3 घंटे उस मशीन को कंट्रोल कर रहा है, तो दूसरा उसको वेट करता रहेगा, क्योंकि कितने बनाएंगे आप उसको, 10 सेट बना लेंगे, लेकिन दुनिया तो बहुत बड़ी है, मेरी बात समझ रहे हैं आप भाई, ऐसे सेटअप कितने बना सकते हैं, 10 सेटअप बना लिए आपने, तो इसको केवल 10 लोग एट ए टाइम एक्सेस कर पाएंगे, और किसी के ऊपर आपने देखा होगा कंट्रोल नहीं है, कोई 2 घंटे बैठा है, कोई 4 घंटे बैठा है। जिस तरीके से आप रेलवे रिजर्वेशन सेंटर पर अगर कभी गए हैं, तो अगर कोई आगे क्यू में रिजर्वेशन करा रहा है, तो अगर वो आधे घंटे ले रहा है तो पूरी लाइन रुक जाती है, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है कि भाई आप 2 मिनट में रिजर्वेशन कराइए, क्योंकि उसकी अपनी क्वेरीज होती है कि नहीं इस ट्रेन में इस ट्रेन में देखिए, इस ट्रेन में इस ट्रेन में देखिए, वो छोड़ता नहीं है। तो सेम थिंग अगर कोई रिमोट लैब में इसको एक्सपेरिमेंट को एक्सेस करके बैठ गया 2 घंटे 3 घंटे, तो ये उसमें प्रॉब्लम है रिमोट ट्रिगर लैब में। दूसरी है मेजरमेंट बेस्ड लैब, कि आपने कोई मेजरमेंट ले लिया है, और ये क्लोजली टू रिमोट ट्रिगर लैब है, और सबसे जो यूजफुल जो लैब बताई गई है वर्चुअल लैब के अंदर वो है मॉडलिंग सिमुलेशन बेस्ड लैब, मॉडलिंग सिमुलेशन बेस्ड लैब, कि एक्चुअल लैब को कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम कर दिया गया, जैसे अभी हम जो एक पेंडुलम वाला एक्सपेरिमेंट करके देखा हमने, वो सिमुलेशन लैब थी, मॉडलिंग सिमुलेशन, क्योंकि उसको एक मॉडल कर दिया गया, एक प्रोग्राम बना दिया गया उसका एक्चुअल कंडीशन के हिसाब से। क्योंकि आप भी एक्सपेरिमेंट कैसे कर रहे हैं, आप भी एक्सपेरिमेंट करते हैं किताब से पढ़कर ही तो करते हैं, टीचर भी करवा रहे हैं वो भी किताब से पढ़कर करा रहे हैं, जो भी नॉलेज चली आ रही है कहां से चली आ रही है, जो किताबों में चला आ रहा है, जी की वैल्यू 9.8 ही ले रहे हैं, कोई अपनी वैल्यू तो नहीं रखवा रहे हैं, तो उसी नॉलेज को हमने कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम कर दिया है, और फिर हम उस लैब को बोलते हैं मॉडलिंग सिमुलेशन बेस्ड लैब। जो तो इनमें अंतर क्या है, ये तो रियलिटी की तरफ क्लोज है, रियलिटी की तरफ क्लोज है, क्योंकि उसमें गलती कमी होगी, क्योंकि आप एक्चुअल एक्सपेरिमेंट यूज कर रहे हो, क्योंकि इसके अंदर क्या है, अगर प्रोग्राम गलत बना दिया गया, प्रोग्राम गलत बनाने का मतलब है किसी ने आपको गलत नॉलेज के हिसाब से गलत प्रोग्राम बना दिया, भाई गलती क्या हो गई कि जी की वैल्यू 9.8 नहीं रखी, 6.8 रख दी, तो वो गलत एक्सपेरिमेंट ही बताता रहेगा, ये जो है गलत बताता रहेगा। तो इसमें यह है कि प्रोग्राम होना बहुत जरूरी है बिल्कुल सही तरीके से, जिसको बोलते हैं मॉडलिंग सिमुलेशन बेस लैब, जो अभी हम कर रहे थे। इसका फायदा क्या है, स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी का मतलब यह है मल्टीप्लाई की जा सकती है बहुत ही, एक साथ इसको लाखों यूजर एक्सेस कर सकते हैं, जैसे ईमेल है आपका, ईमेल स्केलेबल है, गूगल को हर आदमी लाखों लोग एक साथ एक्सेस करते हैं, गूगल जो है एक्सेसिबल है, तो इसी तरीके से ये जो लैब है ये एक्सेसिबल है, इसको लाखों लोग
स्टूडेंट्स एक साथ एक्सेस कर सकते हैं, उनको नहीं कर सकते। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 1,00,000 एक्सपेरिमेंट चाहिए, 1,00,000 सेटअप चाहिए, जब जाके कर पाइए। इसमें जो सबसे मेन पॉइंट है वो ये है, वर्चुअल लैब का, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू लर्न टू देयर ओन पेस। क्योंकि क्लासरूम टीचिंग में क्या है, एक पर्टिकुलर पेस पे क्लास चलती है। जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं या हाई एंड स्टूडेंट्स हैं, वो कहता आंसर आ गया, टीचर आगे बढ़ जाते हैं। होता है नहीं होता, आपने अक्सर देखा होगा कोई सवाल दिया करने के लिए और पूछा भाई हो गया, एक दो बार आगे हो गया तो बस आगे चल दिए। तो उसमें क्या हुआ, किसकी पेस पे चल रहे हैं वो, कुछ ही स्टूडेंट्स की पेस पे चल रहे हैं। और एक्सपेरिमेंट में भी क्या है, 6 लड़के खड़े हैं, 4 पीछे खड़े हैं, 2 आगे खड़े हैं। वो आगे वालों पूछा उन्होंने, टीचर ने कुछ समझ में आ गया, उन्होंने बोला हाँ आ गया समझ में, तो वो फिर वो आगे बढ़ गया, एक्सपेरिमेंट हो गया पूरा। इज इट फाइन, बात सही है। इसमें क्या है, इन एक्सपेरिमेंट में आपके पास फुल फ्लेक्सिबिलिटी है, क्या टू इनेबल द स्टूडेंट टू लर्न एट देयर ओन पेस, अपनी स्पीड पे आप इसमें लर्न कर सकते हैं। बार बार करिए, 2 बार करिए, 4 बार करिए, 8 बार करिए, 10 बार करिए। और अगली बात जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि क्लास में नहीं हो सकती है, एंड टू अराउज देयर क्यूरियोसिटी। हर एक में क्यूरियोसिटी होती है, भाई ये रस्सी मोटी होती तो क्या होता, पेंडुलम एक्सपेरिमेंट में वेट दूसरा होता क्या होता, जी की वैल्यू अलग लेने में क्या होगा, वो सारे सॉल्यूशन आपको यहां मिल रहे हैं। ओके, फेल होगा टूटेगा तो यहां टूटा दिख जाएगा, लेकिन वहां अगर टूट जाएगा तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बात सही है। तो जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है, दैट यू कैन लर्न योरसेल्फ एट योर ओन पे एनी टाइम, एंड इफ एंड देन क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व, कि इफ इट इज वैल्यू व्हाट वुड हैपन, इफ एंड व्हाट सिचुएशंस कैन बी सॉल्व एंड क्वेरीड इन दीज मॉडलिंग एंड सिमुलेशन लैब्स। और ये तो आपको बताया कि दूर से कहीं भी ये एक्सेस की जा सकती है, एनी वेयर। आप सिंपल ले लीजिए, ईमेल अकाउंट होंगे आप लोगों के, नहीं भी है आपने सुना तो होगा, ईमेल ये नहीं कि आपके घर से एक्सेस होगा, जहां भी आप जाते हैं अपना ईमेल एक्सेस कर लेते, नहीं कर लेते, कहीं भी जाएं, किसी भी कंप्यूटर पर जाएं, कहीं भी जाएं, शहर बदले, लेकिन आप अपना ईमेल जो है एक्सेस कर सकते हैं। तो वो ही फायदा इनके अंदर है, कि मैप दिखाया था आपको कि वर्चुअल लैब जो है कहीं से भी किसी भी तरीके से किसी भी टाइम एक्सेस की जा सकती है। तो ब्रॉड एरियाज इसमें सारे हैं, जो आपके जो है फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस और सारे इंजीनियरिंग के इसमें हैं। साइलेंट फीचर्स क्या है इनके, वर्चुअल लैब आर फ्री टू यूज, एक्सेसिबल थ्रू इंटरनेट एंड इवन ऑन योर मोबाइल फोन, क्योंकि आपने देखा होगा नए मोबाइल फोन बहुत एडवांस आ गए हैं, तो उसमें भी एक्सेस हो सकती है। इसलिए एक्सेस हो सकती है क्योंकि ये बहुत ही ऑप्टिमल मैनर में बनाई जा रही है, जिनमें की बहुत कम कैपेसिटी लें। डेवलप इन सेल्फ लर्निंग मोड, गाइडेड मोड में नहीं है, टोटली सेल्फ लर्निंग मोड में है। इनोवेटिव एक्सपेरिमेंटेशन एनी टाइम एनी वेयर लैब, एंड ओवर 85 वर्चुअल लैब, इंडिया की बता रहा हूं, विदेश की तो बहुत सारी है, इंडिया में 85 लैब तैयार हो चुकी है। और उसके अंदर क्या है, आप उसमें क्वेश्चन आंसर भी दे रखे हैं, आप अपने क्वेश्चंस है आंसर से उसमें दीजिए, आपको इमीडिएट मार्किंग मिल जाएगी कि सही है या गलत है, और सही आंसर भी मिल जाएगा, वो भी करके देखते हैं अभी। इंटेंटेड यूजर्स, देखिए आप लोग भी इसमें हाई स्कूल स्टूडेंट्स हुज इंक्विजिटिवनेस विल बी ट्रिगर्ड पॉसिबली मोटिवेटिंग देम टू टेक अप हायर स्टडी। आप कोई भी लैब खोल लीजिए, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के ले लीजिए, बायोटेक्नोलॉजी भी देखिए उसमें आप पूरी स्क्रीन, क्योंकि अभी आप कैसे चल रहे हैं, अभी तो आप चल रहे हैं जो आपसे कह दिया जाए, या तो आपके पेरेंट्स आपको बता दें, या आपके लोग बता दें, या दोस्त बता दें भाई ये फील्ड अच्छी है, आपको समझ में आ गया, या 4 लोगों ने लिए तो 2 और लेंगे, भाई उन 4 ने लिए तो हमारा क्राइटेरिया किस पर डिपेंड है, क्लास किधर जा रही है। इज इट ओके? इसमें क्या है, आप अपने पेस पे हर चीज को खुद समझ सकते हैं, अब ओपन है कि सिविल इंजीनियरिंग में क्या है, बायोटेक्नोलॉजी में क्या है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है, फिजिक्स में क्या है, क्या क्या नहीं हो सकता। तो इसका कंक्लूजन क्या है, वर्चुअल लैब का ऑन डिमांड लैब है, इंटीग्रेटेड लर्निंग है, मतलब हर तरीके से लर्निंग है इसमें,
कंटेंट सारे के सारे एट वन प्लेस हैं। अदरवाइज नॉर्मल में क्या है, कुछ इन्फॉर्मेशन किसी बुक से ले रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन किसी बुक से ले रहे हैं, वो बुक आपके पास नहीं है। जैसे आपके फिजिक्स की बुक है तो उसमें प्रैक्टिकल नहीं दे रखे, केवल आपको थ्योरी दे रखी है, प्रैक्टिकल के लिए आप अलग बुक ले रहे हैं। इसके अंदर क्या है, टोटली इंटीग्रेटेड लर्निंग। ऑन डिमांड लैब्स का क्या है, लर्न एट ओन पेस, कभी भी किसी टाइम, मतलब ऑन डिमांड है। जबकि आपके क्या है, क्लासरूम में फिक्स लर्निंग है, भाई 12 से 10 से 1 आपका पीरियड है लैब का, उसमें आ गए ठीक है, नहीं आया नो प्रॉब्लम। इसमें क्या है, टोटली ऑन डिमांड। सेल्फ इवेल्युएशन पॉसिबल है इसके अंदर, और सबके एनिमेशन और वीडियो ट्यूटोरियल दे रखे हैं। और सबसे आखिरी जो बात है, दैट इज फ्रीडम टू मेक मिस्टेक्स। कहते हैं ना, गलती से सीखता है, और क्लास में आप गलती नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको एक गाइडेड वो चल रहा है पूरा, इट इज टोटली गाइडेड इंस्ट्रक्शंस आर टेकिंग प्लेस। इज इट ओके? तो इसको इसलिए बोलते हैं कंप्लीट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्लीट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो हमारे देश की जो वर्चुअल लैब है उसका जो होम पेज है वो इस तरीके का है, जो कि एक्सेस किया जा सकता है, आप नोट कर लीजिए, vlab.co.in, vlab.co.in। ये इसका होम पेज है, vlab.co.in, और इसमें आप देखें खुशी की बात है, जो ये लैब डेवलप की गई है उसमें हमारी यूनिवर्सिटी भी इन्वॉल्व है। अब हम सीधे चलते हैं एग्जाम्पल्स पे। मेडिकल साइंस में भी कैसे पढ़ाते हैं, बायोलॉजी में भी कैसे पढ़ाते हैं कि भाई कौन से सेल कैसे दिखाई देते हैं, मैक्सिमम ऐसे करा दिए जाते हैं। और उसमें कौन कौन सा तरीका होता है आपका, अब हम इसको प्रोजेक्टर पर देख रहे हैं, स्लाइड्स दे रखी हैं आपको, इसको लाके हमने स्लाइड को यहां रख दिया, ये ऐसे दिखाई देती है। इसके अंदर पूरा वॉच इंस्ट्रक्शन भी है। अब कैंसरस लंग देख लीजिए आप, अब मैं अपनी आपको बता रहा हूं कि मुझे नहीं पता था और मैं इससे सीख गया। एक नॉर्मल अदरवाइज क्या, यू हैव टू गो टू अ डॉक्टर, या कुछ आपको नॉर्मल लैंग्वेज लेनी है या किताब में पढ़ी है, किताब में जैसा होगा डार्क कलर का होगा ऐसा होगा, लेकिन उसमें एक्चुअल इमेज नहीं दे रखी, डिफरेंस नहीं दे रखा। नॉर्मल स्टमक के सेल्स देख लीजिए आप, इसके अंदर देख लेते हैं हम, अगर माइक्रोस्कोप से इन सेल्स को देखें तो कैसे दिखाई देंगे वो, ये लाके रखिए इसमें। Thank you.
ये अब ये स्लाइड में देख रहे थे, अब ये सब माइक्रोस्कोप में यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देखिए नॉर्मल स्टमक की क्या आपके, प्लस मैंने आपको बताया था कि इसमें एनिमेशंस भी अवेलेबल है, मतलब कंप्लीट लर्निंग पैकेज है कि आप स्लाइड पे कैसे देखेंगे, माइक्रोस्कोप में वो कैसे दिखाई देगा, और आखिरी इसके अंदर उसका टोटल एनिमेशन भी दे रखा है। So, the nuclear envelope and nucleolus disappear, and a spindle forms between the pairs of centrioles, which have moved to opposite ends of the cell. In metaphase, the chromosomes move to the equator of the spindle, with each chromatid attached to a separate spindle fiber by its centromere. During anaphase, the centromeres split, and the sister chromatids are pulled apart to opposite poles of the cell. Each chromatid is now a separate chromosome. Telophase is the final phase of mitosis. In telophase, two daughter cells are formed. With a complete set of chromosomes at each end of the cell, the cytoplasm divides, the nucleolus and nuclear envelope reappear, and the chromosomes begin to uncoil. When the new cells are separated, they enter interphase, and a new cycle begins. मैं इसको रोक रहा हूँ। तो सैंपल दिखाया गया है इस तरीके का, हर कोर्स में हर टॉपिक पे आपको मिल जाएगा। अब ये ब्लड प्रेशर का एक्सपेरिमेंट है कि हमें ब्लड प्रेशर कंपेयर करने हैं, किस किस का कैसा ब्लड प्रेशर आता है। तो इसमें हम ले सकते हैं जेंडर, ले सकते हैं मेल या फीमेल, मेल ले लिया हमने, एज रेंज ले सकते हैं हम। फिर डॉक्टर को ऐसे ही पढ़ाया जाता है, उसी तरीके से वो लोग ट्रेन होते हैं। हमने कोई एज ग्रुप ले लिया 35 से 44 का, ये लोग आ गए। और हमने दबा दिया मेजर ब्लड प्रेशर, सबके ब्लड प्रेशर आ गए। अब देखते हैं लाल वाले का लाल क्यों आ रहा है। अब उसमें पता चला कि फैमिली हिस्ट्री क्या थी, हाइपरटेंशन की थी, हाई सॉल्ट डाइट नो, लैक ऑफ एक्सरसाइज यस, एल्कोहल कंजम्पशन यस, दिस मे बी द रीजन। और उसका हाइट भी दे रखी है आपकी, और वेट भी दे रखा है, क्योंकि ये इन सब पैरामीटर्स पर ब्लड प्रेशर डिपेंड करता है। तो अगर आप क्या करेंगे, एक पे नोट करेंगे, एक करेंगे, इसमें क्या आपको सारे कंपेरिजन आ रहे हैं। इसका देख लेते हैं, 122/72 आया है, लेटर सी इसका फिट आया है, क्योंकि इसमें कोई भी उसमें कारण नहीं था, हर चीज इसकी फिट है। इसका देख लेते हैं, रीसेट करते हैं, दूसरे कोई एज रेंज ले लेते हैं हम, 11-17 ले लिया हमने। मेजर ब्लड प्रेशर, तो ये कौन सी लैब है, सब सिमुलेशन और मॉडलिंग लैब है। उसी हिसाब से हाइट निकल कर आई है, उसी हिसाब से जो है वेट आया है, इसका 120/80 आ रहा है। या और किसी का देख लेते हैं, 108/69 देखते हैं, इसका इतना क्यों आ रहा है, उसका रीजन निकला है, उसकी हाइट कम है, वेट भी कम है उसका। तो ये सब चीजें जो है इफ एंड वॉट वाले जो कंडीशन है, ऑल क्यूरोसिटी कैन बी सॉल्व ओवर ये। जब तक ये रन हो रही है, हम आपको दिखाते हैं ये जो लैब है, मेटल फॉर्मिंग की लैब है, जो कि हमारे इंस्टीट्यूट में डेवलप की गई है। मेटल फॉर्मिंग क्या होता है, जितने भी ऑटोमोबाइल्स के पार्ट होते हैं, जितने भी ऑटोमोबाइल्स के मशीनरी के पार्ट होते हैं, वो सारे मेटल फॉर्मिंग से बनते हैं। शाफ्ट होए आपके, कनेक्टिंग रॉड होए, फ्रंट एक्सल बीम हुई, लीफ स्प्रिंग्स हुई, शॉकर की स्प्रिंग हुई, ये सब किससे बनती है, मेटल फॉर्मिंग से बनती है। तो इसमें भी जैसे मैंने आपको बताया है कि एक्सपेरिमेंटेशन बहुत टफ है। क्यों टफ है, क्योंकि बहुत फोर्स चाहिए लोहे या किसी भी मेटल को दबाने के लिए, बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है।
तो एक्सपेरिमेंटेशन पॉसिबल नहीं है, और एक्सपेरिमेंटेशन अगर पॉसिबल हो भी जाता है तो वो एक्सपेरिमेंट कितने टेम्परेचर पे हो रहा है, 1000 डिग्री 2000 डिग्री पे, जो कि आप नहीं देख सकते अपनी नेकेड आई से। तो उसको देखते हुए इसकी एक हमने वर्चुअल लैब बनाई। जैसे मल्टी स्टेप फोल्डिंग लेते हैं हम, अब इसमें क्या है, हमें जो है ये स्पिंडल बनाना है, जो कोने पे जो दिखाई दे रहा है ये स्पिंडल बनाना है हमें, और हमको कोई भी जो है लोहे का सामान कैसा मिलता है, इनिशियल जो है बिलेट इस फॉर्म में मिलती है, जो रॉ मटेरियल जो होता है, जैसे आप कपड़े भी सिलवाते हैं तो रॉ मटेरियल क्या है, कपड़ा है, कैसे मिलता है, वो तो आपके लेंथ इनटू ब्रेथ में मिलता है, फिर वो कट्टे बनता है, जैसे भी बनता है, इज इट ओके। तो इसी तरीके से हमको स्पिंडल बनाना है बिना काटे। मेटल फॉर्मिंग की खासियत है कि ना तो इसमें काटना पड़ता है, ना इसमें कोई वेल्डिंग करनी पड़ती है, ना इसमें आपको पिघलाना पड़ता है, फ्लूड भी नहीं बनाना पड़ता। तो इसमें ये दो डाइज लगी हुई है ऊपर और नीचे। अब ये दूसरा सेट ऑफ डाई आ गया, और इसमें आप यहां देख सकते हैं कैसे कैसे वो साथ में चेंज होता जा रहा है, बनता जा रहा है। ये इसमें ये भी देखना कितनी कैसे कैसे कितनी फोर्स लगती जा रही है इसको बनाने में, कितनी इसके अंदर फोर्स लग रही है, और इंटरनल इसमें चेंज क्या आ रहा है मटेरियल में, इंटरनल जो चेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है, और इसका माइक्रोस्ट्रक्चर किस तरीके से दबता हुआ जा रहा है वो। अभी आपको बताया था कि कंप्लीट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, तो इसमें आप कोई भी क्वेश्चन से आंसर कर सकते हैं और देख सकते हैं क्या हो रहा है इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। सबमिट कर दीजिए इसको, आप आंसर आ गए, आपके करेक्ट आंसर आ गया और मार्क्स आ गए। ये देखिए इसमें क्या दिखा रहे हैं, बेयरिंग देखिए आपने, बेयरिंग, बेयरिंग में कोई ज्वाइंट नहीं होता, और जो बेयरिंग की जो रिंग जो बनती है वो इस तरीके से बनती है। एक मोटा पाइप लिया, उसके टुकड़े काट लिए, अब फिर उसको थिन करना है हमें, कैसे करेंगे हम, और ये स्लो इसलिए चल रही है क्योंकि ये इंटरनेट से चल रही है, इंटरनेट से एक्सेस हो रही है हम रियल टाइम। तो इसको डाउनलोड करके भी चला सकते हैं, और इसमें आप देख रहे हैं क्या क्या इसमें चेंजेस आ रहे हैं, टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है, जब ऊपर से फोर्स लगा रहे हैं, ये एक हैमर का काम कर रहा है इसको पीटने का। ये रिंग रोलिंग दिखाई गई है, कैसे उसका डायमीटर कम कर रहे हैं, रिंग बनाने के लिए किस तरीके से उसका डायमीटर कम कर रहे हैं, ये आप देख रहे हैं नीचे, ये चल रहा है, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे कैसे इसकी चेंज होती जा रही है। एक इसका लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम, इसमें हम देखेंगे एनर्जी कैसे चेंज हो रही है। इसको हमने यहां छोड़ दिया क्योंकि तो स्कैटर का मास जो था और कम कर देते हैं, अब नहीं जाएगा, और उसको यहां से छोड़ेंगे हम तो मास बढ़ा दिया हमने, अच्छा इसको अभी हम यहां लाके छोड़ते हैं, क्या ये यहां से इसको पास कर लेगा, नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको जो है काइनेटिक एनर्जी नहीं मिल पाई है, और ज्यादा हाइट से छोड़ेंगे तो उसे क्या है, हम ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी दे रहे हैं, अब उसको काइनेटिक एनर्जी मिल गई उसको आगे ले जाने। तो ये जस्ट है कि एक आपको एक किक स्टार्ट करने के लिए कि एक ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है जिसको कि आप एक्सेस कर सकते हैं, और इसमें आपके लिए दो रोल है, एक रोल तो ये है आपको सीखने का, जो आपको जो भी आपकी कोई जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, क्वेरीज है वो, दूसरा आपका रोल सबसे बड़ा जो है कि आप कौन सी नई लैब बना सकते हैं,
जो कि आपको तकलीफ हो रही है कोई चीज समझने में, उसकी आप लैब बना के दिखाइए, आगे अपना कैरियर ऐसा बनाइए कि मुझे इस चीज की एक वर्चुअल लैब बनानी है। ये एक बहुत बड़ा कैरियर है अपने में, टू डेवलप अ वर्चुअल लैब। क्योंकि एक मैं एक लास्ट बताना चाह रहा हूं, अगर आप कोई चेंज कहीं आ सकता है, वो चेंज कहीं भी आ रहा है, आपकी लाइफ में भी चेंज आ रहा है, वो किससे आ रहा है? इंफॉर्मेशन सिस्टम से ही आ रहा है। अदरवाइज जितने भी इन्वेंशन है वो सारे पुराने ही है, लेकिन अब क्या हो रहा है, उनको वे ऑफ डूइंग चेंज होता जा रहा है। तो आप भी अगर कोई चेंज ला सकते हैं, वो एक ला सकते हैं थ्रू इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो आप एक अपने में देखिए कि मैं कौन सी वर्चुअल लैब बना सकता हूं। थैंक यू।